बिल्कुल सामने जो है वो सेंटोरस मॉल है, ये आप चेक करें। इसको नाज़ बहुत है। अच्छा नाज़ बहुत है, चलें जी। कैसे हैं आप? ठीक है इंशाल्लाह, आप चैनल पे आएंगे यूट्यूब पे। ये देखना अभी भाई ने ऐसा निशाना लगाना है ना, सीधा भाई ने हिट करना है टारगेट को। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद नवीद कुरैशी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली इनसाइट पाकिस्तान। आप सबको एक न्यू वीलॉग में खुशामदीद कहता हूँ, होप्सों के आप सब खैरियत से होंगे। ये लोकल जो है वो यहाँ पे सुजुकियाँ चलती हैं रावलपिंडी में। ज़रा वोरी मिसाइल चेक करें, ज़बरदस्त। इस टाइम मैं स्टॉप पे आ चुका हूँ तकरीबन 5 मिनट की वॉक करने के बाद। यार धूप बहुत जो है वो इस टाइम तेज़ किस्म की है यहाँ पे। मेट्रो बस सर्विस का जो है वो स्टॉप है। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे प्रॉपर बैठने की जगह भी है और ये शेड भी है। ज़्यादा रश है, जैसे ही बस नज़र आई है लोग जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे आए हैं। मेरा ख्याल है इसमें रश होता है इस वजह से। मैं बस में जो है वो बैठ चुका हूँ। आपके भाई को जो है वो खैर सीट तो उस तरह नहीं मिली, लेकिन खड़ा नहीं होना पड़ा। ये चेक करें आवाज़ें, बच्चे जो है वो शरारतें कर रहे हैं। तकरीबन 20 मिनट की ड्राइव थी इस बस की। सर्विस काफ़ी अच्छी है, सिर्फ 30 रुपये में जो है मैंने सफ़र किया है। और इस टाइम जो है मुझे यहाँ से ऑनलाइन जो है वो बाइक करना पड़ेगा फर्दर जो है वो आगे ट्रैवलिंग के लिए। टावर्स चेक करें जी, बहुत हाइटेड हैं। और ये सामने जो है वो बिल्कुल सेंटोरस मॉल है और पाकिस्तान के बड़े मॉल्स में से एक है। बहुत इसकी एक यूनिक किस्म की जो है वो बिल्डिंग है, बहुत आला। भाई पहुँच आए हैं, थोड़ा सा इनको ट्रबल हुई है लोकेशन की, लेकिन फाइनली जो है वो भाई यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, चलें। ज़बरदस्त हवा चल रही है इस्लामाबाद में और गर्मी जो है ना काफ़ी कम फील हो रही है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे रश होने की वजह से कुछ गाड़ियां जो है वो रास्ते से ही वापस हो रही हैं। हमें ये एज है कि बाइक पे हैं और बाइक पे जो है वो इजीली जो है वो रास्ता मिल रहा है। ये चेक करेंगे रश, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं रश जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। काफ़ी प्यारी जो है वो गाड़ी है और ये भाई आपने देखे ही होंगे मुख्तलिफ वीडियोस में पीटीआई की, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ करीब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है इंशाल्लाह, आप चैनल पे आएंगे यूट्यूब पे। ये दामने को व्यू पॉइंट का जो है वो एंट्री पॉइंट है और यहाँ पे रेट लिस्ट अवेज़ा हैं पार्किंग वगैरह की फ़ीस यानी। तो इस टाइम जो है वो मैं एंटर हो रहा हूँ दामने को में। बड़ी अच्छी चीज़ लिखी है जी, बराए मेहरबानी डस्टबिन का इस्तेमाल करें जी, डस्टबिन का इस्तेमाल किया करें जो भी यहाँ पे आए। दामने को की जो है वो टाइमिंग भी है विंटर 8 AM to 9 PM और समर 8 AM to 11 PM। यहाँ पे बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर जो है वो बच्चों के झूले हैं। सॉरी ज़रा ये सूरज जो है वो एक साइड से पड़ रहा है। ये चेक करें कार्ट, गोलगप्पे वगैरह हैं यहाँ पे। आप में से अक्सर लोगों ने जो है वो बैलून जो है वो इस गन से जो है वो पड़े होंगे, बचपन की गेम है और इवन जो है वो बड़े लोग भी खेलते हैं। ये देखना अभी भाई ने ऐसा निशाना लगाना है ना, सीधा भाई ने हिट करना है टारगेट को। ये चेक करें फिर, भाई मिस हो गया है, चलें कोई नहीं नेक्स्ट टाइम। यहाँ पे वज़न चेक करने वाली भी मशीन है, सोचा जो है मैं अपना वेट चेक करवा लूँ। कितने में वेट चेक हो रहा है जी? 20 रुपये में। चलें जी चेक करते हैं जी, स्मार्ट हुआ हूँ या 78 kg। फ्रेंड्स मैंने 21 मार्च को जो है वो वेट प्रॉपरली चेक करवाया था, तो उस टाइम मेरा वेट था 79 kg और अब जो है वो मेरा 78 kg है, यानी 1 kg जो है ना वेट वो लूज़ हुआ है। ये आप देख सकते हैं जी सवारियां वगैरह, जो बच्चे सवारी करने के शौकीन होते हैं मोटर्स पे, थोड़ा बच्चे ने जो है ना कट डेंजरस मारी है। बहरहाल एनीवे ये बर्गर्स वगैरह बन रहे हैं यहाँ पे, रिफ्रेशमेंट की चीज़ें यहाँ पे, फ्राइज़ वगैरह बन रही हैं, दही भल्ले।
यहाँ पे भाई पश्तो में जो है वो गिटार प्लस कोई राग जो है वो गा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा लेकिन काफी अच्छा लग रहा है। पख्तून हमारे भाई जिंदाबाद। अच्छा ये घुड़सवारी है, हॉर्स राइडिंग, जस्ट 300 में जो है वो टूर है। ये जी सवारी स्टार्ट हो गई है जी बच्चों की। असल में रश है, वैसे मेरा भी दिल कर रहा था घुड़सवारी का, टाइम भी कम है रश भी है। करें जी कैमल राइडिंग। भाई हैं एक जी, इनकी ये घोड़ी है और इसका नाम इन्होंने जो है वो बड़े लाड से नाजो रखा है। भाई इसका नाम नाजो क्यों रखा है, क्या ऐसी रीजन है? इसको नाज बहुत। अच्छा नाज बहुत है, चलें जी। जी एक हैं जी गोल्डन मैन। बहुत ही प्यारा व्यू है। मैं तकरीबन वो सामने जहाँ पे धुआं आपको नजर आ रहा है वहाँ से चल के आया हूँ इस साइड पे। अभी मैं व्यू पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ जहाँ से पूरा जो है इस्लामाबाद वो नज़र आता है। ग्लासेस हैं जी प्यारी प्यारी, यहाँ पे भाई सेल कर रहे हैं। अच्छा मैं व्यू पॉइंट के पास बिल्कुल पहुँच चुका हूँ, सामने सूरज है, मैं सूरज लग रहा है और मेरे पीछे जो है वो इस टाइम पे धमाल हो रही है मुख्तलिफ। यहाँ पे पठान भाई हैं जो यहाँ पे धमाल कर रहे हैं, बड़े पुरजोश हैं। माजरत अगर आवाज़ आपको मेरी क्लियर ना आए तो, बड़ी एक धुन में जो है वो ये धमाल डाल रहे हैं। ये मिड मैन को चेक करें ज़रा। ये नाज़रीन फाइनली जो है मैं व्यू पॉइंट पे आ गया हूँ, दामने को व्यू पॉइंट। इसको इसलिए दामने को व्यू पॉइंट कहा जाता है, मेरे भाई अगर आपको दिखा सके, इसमें पूरा इस्लामाबाद जो है वो इस जगह से जो है ना बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। बिल्कुल सामने जो है वो सेंटोरस मॉल है, ये आप चेक करें, शायद जूम करके इतना क्लियर ना आ रहा हो। और ये बिल्कुल सामने जो है वो फैसल मास्क है, ये आप देखें। ये यूफोन टावर है जी ब्लू एरिया का। और इसके अलावा ये सामने रावल डैम का एरिया है। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं एक भाई, ये आए हैं पेशावर से, मज़ीद इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे आप किस वजह से आए हैं और आपको सेकेंडली आके कैसा महसूस हो रहा है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले तो हम इसलिए आए हैं कि ईद के दिन है। जी जी, स्पेशल डे है ईद का। और दूसरी बात यह है कि माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए। अच्छा माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह इस मुल्क में देखेंगे तो हर तरफ के जो टेंशन एनार्की है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, इसी वजह से हम ने अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे। कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है वाकई, नो डाउट। सारे मुल्क में इस तरह के हाइट पर, इस तरह की आबादी में इस तरह लोकेशन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा नाज़रीन ये फैसल मस्जिद का जो है वो व्यू पॉइंट है, यहाँ से बहुत आउट क्लास अमेजिंग। मेरे साथ मौजूद हैं जी सैफुर रहमान भाई, और ये इस जगह के हवाले से फीडबैक देना चाह रहे हैं। जी आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत चंगी जगह है सर जी, बहुत अच्छी जगह है। अच्छा रश भी आवाम ना बहु है। अच्छा व्यू पॉइंट भी बहुत अच्छा है। अच्छा बड़ा मजा आ रहा है, दोस्तों नाल आए हैं। तो किस जगह से आए हैं? अच्छी हजरत आए हैं जी, हजरो अटक से। अटक शाम के तकरीबन जो है वो 5:30 बज रहे हैं, सूरज जो है वो रफ्तार रफ्तार ढलने लगा है। मैंने तकरीबन यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स थे वो विज़िट कर चुका हूँ, आपको व्यू पॉइंट भी बता चुका हूँ, बाकी चीज़ें भी यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो दामने को व्यू पॉइंट पे आए हैं, उन्होंने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। फ्रेंड्स बहुत रश होने की वजह से मैं चल रहा हूँ, स्टिल कोई 10-12 मिनट हो गए हैं। मैं एक हेडअप कर दूँ यहाँ पर कि ईद के डेज़ में आप कोशिश करिएगा यहाँ पर विज़िट ना करें, क्योंकि इस तरह का रश हो जाता है तो फिर फैमिली के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। अब आप ये देख लें, मैं आपको नीचे व्यू दिखाता हूँ, ये स्टिल जैम है सब एरिया, और ऊपर अगर देखें तो यहाँ भी ट्रैफिक बिल्कुल रुकी हुई है।
आई डोंट नो कि मज़ीद कितना चलना पड़ेगा, काफ़ी टाइम हो चुका है चलते हुए। और ओवरऑल अगर मैं यहाँ टूर की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा रहा है, एक नेचुरल प्लेस है, बेस्ट प्लेस है विज़िट करने के लिए। मैं जो है वो रिकमेंड कर सकता हूँ, बाइक की टीट देखें जी, क्योंकि काफ़ी देर बाद ट्रैफिक खुल रही है, तो इसलिए जो है भाई भी काफ़ी जल्दी में थे। खैर एनीवे मैं इस हवाले से रिकमेंड कर सकता हूँ आपको, लेकिन ईद के डेज में यहाँ पे विज़िट नहीं करना। और नेक्स्ट वीक तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अब तक के लिए इतना ही, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस रश के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद।